वी द फैमिली ऑफ केकेआईएस कभी कभी इत्तेफाक से विल ऑलवेज मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग टुगेदर एज अ फैमिली एंड आई विश एवरीवन अ वेरी ब्राइट हेल्दी एंड अ ब्यूटिफुल फ्यूचर स्टे कनेक्टेड गॉड ब्लेस केकेआईएस एंड गॉड ब्लेस everyone connected with this. पॉजिटिव और इतने अच्छे हैं दैट ये हमारी रूटीन है, हमारी आदत है कि हम जब भी एक साथ होते हैं पूरी फैमिली एक दूसरे को देखते हैं तो हमारे चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ स्माइल आती है. और लास्ट डे को ऐसा ना हो ऐसा कैसे पॉसिबल है? वी आर ओवरवेल्म्ड विथ इमोशंस. तो बिछड़ने का गम तो ऑब्वियसली है, पर हमने जो कमाया है एक दूसरे का प्यार एंड दिस ब्यूटिफुल रिलेशन, दैट इज़ वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस स्माइल. Obviously. ये बेबी मतलब जब भी आप एक फैमिली बनाते हो देयर इज सो मच लव, और अगर इतने सारे लोग एक साथ तो बहुत ज्यादा ही प्यार हो जाता है. तो वी हैव गेन्ड लॉट ऑफ लव, तो ये गेन की खुशी है. हां, बहुत ज्यादा प्यार इज इक्विवेलेंट टू अ बिग स्माइल ऑन आवर फेस. सभी एक दूसरे को कितना मिस करने वाले हो, स्पेशली द मोमेंट्स व्हिच ऑलवेज यू शेयर विद ईच अदर. ऑफ स्क्रीन मैड हाउस है हम लोग. आप 5 मिनट भी हमारे रूम के बाहर, और आपने देखा होगा अभी भी शायद कि हम लोग सब एक ही जगह पे सब बैठते हैं. मतलब रूम में जगह नहीं होती चलने की, चेयर्स इनफ नहीं होती, बेड्स इनफ नहीं होते. हम हमेशा ऐसे पैक फुल रूम में सब एक साथ. और होता क्या है ना कि हमारा जो फैमिली है वो बहुत ही छोटा सा है, हल्का फुल्का 20 लोग ही हैं हम लोग, ज्यादा लोग तो होते नहीं है. तो हम कहीं पे भी फिट आ जाते हैं, फिर वो कहीं पे भी कुछ भी हो. तो ये जो एक बंडल फुल ऑफ एनर्जी एंड लव है विच इज हेडेड बाय सच वेटरन्स एंड अंडर देयर गाइडेंस, मतलब वो लोगों की गाइडेंस के अंदर, प्यार के अंदर हम लोग नर्चर कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी स्पेशल. ईच एंड एवरी मोमेंट इज वेरी वेरी स्पेशल. एंड आई थिंक ऑल द वेटरन्स हैव प्लेड अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन सेटिंग दिस होल लव एरिया, यू नो, कि हम लोग हमेशा प्यार से रहते हैं. कहीं ना कहीं सब लोग का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस चीज़ के अंदर. एब्सोल्युटली. तो हमने बहुत कुछ सीखा है, और उसमें से सबसे पहली चीज़ जो सीखी है वो यही थी कि साथ रहे, मिलजुल के रहे, सब साथ में आगे बढ़े, ऊपर जाए. और दिस इज आवर शो इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम देम, ऑलवेज हाउ टू वॉक टुगेदर इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम देम. मतलब जब भी कोई बड़ा सीन हुआ है तो कभी किसी ने ऐसे नहीं कहा कि तेरा सीन है, मेरा सीन है, या यू नो आपका है. इट्स लाइक ऑलवेज कि ये हमारा सीन है और लेट्स मेक इट द बेस्ट. एक एग्जांपल है कि कल हम लोग का एक बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा था, जहाँ पे बाहर आवाज़ हो रही थी और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा मूड में थे. तो पेंटर सर वॉज देयर एंड ही वॉज सीइंग अवर सीन, एंड वो इतने इमोशनल हो गए थे, वो इतने सीन में इन्वॉल्व थे, और आवाज़ आ रही थी, हम डिस्टर्ब हो रहे थे. तो उन्होंने कहा ये वन टेक वाला सीन है, आप लोग करते हो वन टेक में, रुक जाओ, मैं बाहर जाके बैठता हूँ और मैं देखता हूँ कि आवाज़ कौन करता है. एंड ही एक्चुअली वेंट आउट एंड ही स्टेड देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. राइट, टिल वी फिनिश्ड आवर शॉट ही वाज देयर. एक आवाज़ नहीं होने थी उन्होंने. सो दैट इज टीम वर्क. एंड इमेजिन somebody as like the senior of the seniors, yeah. Paintal sir, the head, so. is going and doing this for his children. That is what we have earned, and isliye aaj sirf aur sirf muskurahat hai chehre pe, hai na? Background yahi hai na sir, hamesha se fans ne aapko bahut pyar diya hai. Sir, bhai suno na, ye sab field hai, ye mat hatao. Repost and all sabhi kuch hota hai, lekin jab un sabhi ko pata chala ki nahi like offer hone wala, kya kuch comments unki taraf se aaye? आई थिंक सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए तब था जब आई रियलाइज दैट, जब मुझे पता चला था दैट अनुभव इज नॉट गोना बी अ पार्ट ऑफ द शो फॉर अ वाइल,
तो जब ये जब फैंस को पता चला एंड इट वाज ऑल ओवर द इंटरनेट सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम ट्विटर एंड एवरीवेयर और सभी लोगों ने तब जो एक साथ मिलके जो कुछ चीजें की थी उससे समझ में आया तब पहली बार आई थिंक रियलाइज हुआ कि सो मच ऑफ लव उसको पता नहीं था कि उससे कितना प्यार करते हैं लोग आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर हिम है ना जब उसे पता चला कि बाप रे लोगों को इतना प्यार है इस किरदार से और इस इंसान से सो आफ्टर दैट इमीडिएटली हम अभी तक वो ही चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे थे डाइजेस्ट कर रहे थे सभी लोग एज अ फैमिली हम लोग सब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे तभी हमें पता चला कि अच्छा ठीक है कोई एक नहीं सभी जा रहे हैं तो और एक एक होता है ना कि वो गया फिर वो सब दुखी थे वो सब ऐसे उस मूड में हम ऑलरेडी चले गए थे कि कोई जा रहा है फिर कोई और जा रहा है फिर हमारे सर है वो कहीं और गए तो बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक थोड़ा सा से गुड बाइज वाले फेजेस ऑलरेडी बिगिन हो चुके थे तो इसलिए ये झटका नहीं लगा अब हम प्रिपेयर्ड थे I think very well prepared, no? We are very well prepared very because well prepared. honestly speaking, जब हमें पता चला उसके बाद थोड़ा सा extend हुआ तो अभी वो जो एक time था जब पता चला और dates announce हुई हम बहुत रोए सब सबकी आँखों में आंसू थे उस चीज को एक महीना हो गया guys. I think this period that we are in right now is a gift that we are enjoying. I think the show was gonna end sometime back. Yeah. So and we got an extension of 15 days. मैं तो बीच में holiday भी करके आई क्योंकि मुझे लगा कि मतलब वही उस हिसाब से plan किया था मैंने अपना holiday. So I think we've gotten that extension and we are really making the most out of every day, you know. तो sad क्यों होना है जब खुशी celebrate की जा सकती है. Exactly. आने वाले दिनों में और भी कौन से आपके upcoming new projects हमें आप अरे बाबा अभी तो like ऐसा कोई किरदार जो आपने ना निभाया और आप निभाना हर नहीं नहीं साउंड रिकॉर्डर सर के वजह से तो आप तक हमारी आवाज पहुंचती है बाबा तो आगे क्या करना है कि ऐसा कोई किरदार जो नहीं किया है ऑनेस्टली स्पीकिंग हर एक किरदार अपने आप में ही अलग होता है और कोई भी एक किरदार दूसरे किरदार से सिमिलर हो ही नहीं सकता जो कुछ भी करेंगे वो अलग ही होगा फॉर श्योर अपने ही तरह से अलग होगा आई थिंक एवरी आर्टिस्ट समवेयर वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट समथिंग चैलेंजिंग तो पर ये आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट है आई थिंक द बेटर द आर्टिस्ट हमेशा हर किरदार में कुछ ना कुछ नया हम लोग ढूंढ ही लेते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए तो नया तो आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस ईयर वी हैव अ सेमिनार फॉर इंडिपेंडेंस डे एंड वी हैव अ थीम हर घर एक तिरंगा जी सो यू कैन सी दैट एवरीवेयर वी कैन सी द फ्लैग्स ट्रू सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट हाउ मच दिस इज गोइंग टू मोटिवेट टू एवरीवन आई थिंक इट विल मोटिवेट एवरीवन क्वाइट अ लॉट ये इसकी फीलिंग सबसे ज्यादा पता है कब आई थी मुझे लगता है जब वो कोविड के टाइम पे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उनके लिए सब लोग ने तालियां बजाई थी बाहर वो जो हमने थालियों पे जो किया था सो आई थिंक तब से वो फीलिंग है जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो फॉर द 75th इंडिपेंडेंस आई थिंक वी आर अ मोर मैच्योर एंड अ मोर सेंसिबल एंड मोर टेक्निकली एडवांस्ड नेशन एब्सोल्युटली एंड इन दिस एज ऑफ amazingly fast growing social media and media सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है तो जब हर घर में तिरंगा लहराएगा तो I think it is so symbolic of unity and I think as a whole it will be like a movement जैसे कि वो clapping वाला movement बन गया था पूरा हर घर तिरंगा is such a well thought process है ना I think it is the best gift and the best salute that you can do to everyone jinhone itni mehnat ki hai hamare independence ke liye so yeah lastly any message to the all the fans main hamesha bolta hu ye ek cheez and I think I mean it when I say that I love you all hai na to all the fans that I love you all so much and a big 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 thank you बिग 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 से भी बिगर कोई वर्ड हो तो मैं यूज़ करना चाहूँगी पर आई डोंट थिंक बिग से ज़्यादा मतलब बिग 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 इनटू 100 मिलियंस पता नहीं थैंक यू का कोई स्केल नहीं है कोई मेजर नहीं है कितना बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी पर हाँ वी आर सो ग्रेटफुल द होल फैमिली यस एवरीबॉडी सो सो ग्रेटफुल थैंक यू सो मच थैंक यू वन मोर वेल
सीरियल को वाकई बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, आप सभी का किरदार लोग सभी बहुत पसंद कर रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आई थिंक KKIS यानी कि कभी कभी इत्तेफाक से जो इतना प्यार लोगों से मिला है, आई हैव नो वर्ड्स रियली. फैंस ने इतना प्यार दिया आई थिंक, और हम डेफिनेटली वो आई विल प्राउडली से कि हम वो प्यार के काबिल रहे हैं, बिकॉज हमारी फैमिली इतनी प्यारी थी. KKIS की फैमिली, हम जैसे जो मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ, लास्ट डे जो है हमारा, और यहाँ से जो मैं लेके जा रही हूँ वो है इस फैमिली को मैं लेके जा रही हूँ, इस फैमिली का प्यार एंड अ लॉट ऑफ लव एंड अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, एंड छोटे छोटे मोमेंट्स जो हमने साथ में, जैसे खाना खाना साथ में, एक दूसरे की टांग खींचना, एंड एक्चुअल जो रिलेशनशिप्स बन गए हैं यहाँ पे, जैसे भाई बहन का रिश्ता या जैसे ननंद भाभी का रिश्ता, एंड लाइक समबडी हु इज़ सो मच सीनियर टू मी, निशिगंधा जी, शी इज सिटिंग राइट हियर एंड शी कॉल्स मी हर सोल सिस्टर. And truly, you know, like we've had that bond and we share that bond. Bale, it's Paintal ji, jinko hum bachpan se dekhte aa rahe hai, you know, she's like a father figure to us and we've done so many good scenes together. To bahut zyada acha lag raha hai, Yesha, Manan, sab, matlab, we're like one big strong family. And yahi hum apna pyar ek dusre ke prati leke ja rahe hai baar abhi. आई थिंक जी वैसे तो बहुत सारी है जो ऑडियंस को नहीं बताना चाह रही हूँ, बट या लाइक बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स है, बहुत बहुत सारे मोमेंट्स है. अब मैं एक मोमेंट हो तो बताऊँ, जस्ट ओपन इट ना बाबू, बिकॉज इल कीप नॉकिंग एंड कीप नॉकिंग. या सो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, तो एक ऐसा मोमेंट मैं नहीं बोल सकती. जैसे साथ में फुल फैमिली मिलके खाना खाना, साथ में इवनिंग में जैसे नाश्ता ब्रेक में मस्ती करना, रील्स बनाना एक दूसरे के साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने साथ में एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस की है. मैं बीमार पड़ी थी ऑन सेट, मुझे चक्कर आ गए थे, मैं यू नो मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी. इन सब ने मुझे एक फैमिली की तरह मुझे यू नो ट्रीट किया था, एंड इवन माय प्रोडक्शन हाउस, आई थिंक पीपल आर रियली काइंड एंड स्वीट, एंड वो बोलते ना अच्छे लोग हैं दुनिया में, एंड दैट्स व्हाट आर KKIS टीम इज ऑल अबाउट. वेल ये जितने भी मेकअप्स एंड ऑल डेली आप करते थे, जो लुक आपका है, कितना कुछ मिस करेंगे, बिकॉज़ डेली हमें वो एक आदत पड़ जाती है. आज तो मैंने थोड़ा सा लीवे लिया है, खुले बाल रखे क्योंकि लास्ट डे है, बट हाँ गोली के बाल हमेशा बंदे होते थे, चोटी होती थी या पीछे बन होता था, बहुत ही सोबर मेकअप होता था, एंड गोली एक बहुत ही स्ट्रिक्ट किरदार मैंने निभाया है इस शो में, एंड हाँ तो मेकअप और हेयर रोज का ही एक ओ माय गॉड अभी फिर से ये पहनना है, ये करना है. शादी हो गई तो ये सब कंगन वंगन नहीं, तो काफ़ी अच्छी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी दी गई थी, एक अच्छा अलग लुक था. आज का लुक तो एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, एंड जैसे मैंने कहा कि कंगन, ये नेक पीस, मंगलसूत्र एंड ऑल ऑफ दैट, और मैंने थोड़े खुले बाल रखे, मेरी हेयर ड्रेसर पीछे खड़ी है और देख रही है कि अभी चलो आपका पैच भी पहनना है आपको, तो लंबे बाल है, ये सारी चीज़ें हैं जो एक कैरेक्टर को हाफ हो जाता है, कैरेक्टराइजेशन जो आप देखते हो, यू नो सो पीपल से कि हाँ गोली का लुक करेंगे, तो यही तो होता है. अब तो मांग में सिंदूर और ये सब. बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत, पहले तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, शो मत बंद करो, सेकंड ऑफ ऑल कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि लोग एडवाइस देते हैं कि आप ये कर लो ना तो ये ऐसे TRP मिलेगी, आप वो कर लो, इस कैरेक्टर को ऐसा बना दो, इस कैरेक्टर को इसे यहाँ जोड़ दो, वहाँ जोड़ दो. हम ये हर शो में सुनते आते हैं, एंड आई डोंट थिंक इट्स इन आर हैंड्स, जो भी हमारे हाथ में है वो जो हमें मिला वो हमें निभाना है, अच्छे से काम अच्छा करना है,
हमारे काम को इज्जत देनी है और 100% देना है जब आप काम करते हो. उसके अलावा भी चले ना चले, टीआरपी नहीं टीआरपी, वो हमारे हाथ में नहीं होता. और ये टेलीविजन का नियम है, इट्स अ नंबर गेम. हर वक्त इट्स नंबर्स. टीआरपी बहुत है या टीआरपी कम है, तो हर थर्सडे हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है. जैसे हर फ्राइडे एक पिक्चर को बॉक्स ऑफिस हिट है कि नहीं वो सुनना पड़ता है, वैसे हर थर्सडे हमें अलर्ट रहना पड़ता है. तो इट्स लाइक दैट. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कॉन्टेम्प्रेरीज ने, जैसे कि एक नाम कहूँगी आज, रूपाली गांगुली, शी इज़ माई वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स. एंड आज वो जिस अदाकारी से, जिस जो कमाल कर रही है टेलीविजन पे, बीइंग अनुपमा, आई थिंक गॉड ब्लेस हर. उसने हमें हिम्मत दी है, ऐसे लोगों को हिम्मत दी है जो 40+ 45+ की उम्र के है, कि टाइटल रोल उस उम्र की औरतों को भी मिल सकता है. एंड जब आपका नसीब आपके साथ हो, जब आपका हार्ड वर्क, आपका आपका डेडिकेशन आपके साथ हो, तो रोल कभी भी, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक कर सकती है. आपको रेडी रहना है उसके लिए. एंड शी प्रूव्ड इट दैट. एंड शी इज़ गिवन एवरी वुमन हु इज़ 45+. एंड ऐसे बोलते हैं ना कि हीरो हीरोइन सिर्फ एक 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 उम्र से ही हो, ना. She is given that platform to a lot of elderly women to prove that, you know, you can do something different, you can do something unique. And I'm waiting for that opportunity, ke aisa koi opportunity hame bhi mil jaye, main bhi aisa kuch karun. And wow, it's going to be great. Yeah. I pray and hope, and I think it will be great if I go with Percy, because Percy और मैं एक ऐसी जोड़ी है जैसे chalk and cheese, you know, and we are like, मेरी personality एकदम अलग है, इनकी personality एकदम अलग है. बहुत मजा आएगा अगर हम दोनों साथ जाए तो. But of course मैंने एक्सपीरियंस किया है उस घर में. इट्स अ गुड शो, इट्स अ वेरी गुड शो, एंड आई थिंक एवरी आर्टिस्ट शुड गो वंस एट लीस्ट, यू नो. As well as we have Parsi New Year going to come. Yeah. What you would like to say, like? I think Parsi New Year is on 16th. Everybody knows Parsis love food, they love to dress up, they love everything about life, they celebrate life. And I think हर Parsi को enjoy करना बहुत अच्छा लगता है. हम भी वही करेंगे, उठेंगे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे, फायर टेम्पल जाएंगे, मम्मी के घर पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन है, फैमिली के साथ लंच करेंगे, एंड ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ गुड स्मॉल गेट टुगेदर, फैमिली गेट टुगेदर. लुक, दिस ईयर वी हैव अ 75th इंडिपेंडेंस डे, और एक थीम रखा गया है कि हर घर एक तिरंगा. क्या लगता है कितने लोग जागरूक होंगे, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं सभी गली सभी रोड पे तिरंगा ही दिख रहा है. I think it's a wonderful initiative by our Prime Minister नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये हर घर तिरंगा स्टार्ट किया है, कहा है. आई थिंक वेन एवर ही सेज समथिंग, जब आई थिंक कोविड के वक्त वो थाली बजाना था, या एवरीबडी वी वर ऑल एंथू, यू नो, वी यूज टू डू दैट. एंड आई थिंक इट इज़ अ फैक्ट दैट हर घर पे वो तिरंगा है, एंड इट्स सो सो नाइस टू सी दैट. एंड आई एम ट्रूली अ प्राउड इंडियन, एंड मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि यार अच्छा लगता है. आई एम सो हैप्पी आपने एक्साइटमेंट बोला, बिकॉज वी आर नॉट इमोशनल, वी आर वेरी एक्साइटेड. बहुत ही अच्छी जर्नी थी, टीम बहुत अच्छी है, एंड इट्स अ फैंटास्टिक शो. आई थिंक आई लव बींग अ पार्ट ऑफ इट. सबको सबको यार, मतलब ऑनेस्टली मैंने अभी शो बहुत कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया था, बट इन लोगों ने मुझे इतनी अच्छी तरह अपना लिया एज अ फैमिली, इट वाज ग्रेट. ऑफ कोर्स मेरे ज़्यादा सीन्स अनुभव और गुनगुन के साथ रहे हैं, सो दे विल बी वेरी स्पेशल टू मी. बट आई थिंक द एंटायर फैमिली यार, हमने लंच साथ किए हैं इतने टाइम, तो बहुत मज़ा आता है. खाने से हमेशा सबसे अच्छे बॉन्ड बनते हैं. आई
आई थिंक लंच टाइम बिकॉज यू नो एज अ सेट जब साथ मिलके आप खाना खाते हो तो आप जेन्युइनली दिल से बॉन्ड्स बनाते हो. सो कोई कुछ लाता है कोई कुछ लाता है. गोलू चाचा बहुत अच्छा खाना लाते हैं. सो आई थिंक दैट्स वेरी स्पेशल. थैंक यू. वेल मैंने भी एक फिल्म की है फॉर्चुनेटली अब वो रिलीज़ होने वाली है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. और ये किरदार बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि ही स्मार्ट ही इज लाइक फन एंड ही फॉल्स इन लव फिर हार्ट ब्रेक भी होता है तो इट्स गुड फन. थैंक यू. एज अ सेड देयर इज अ फिल्म दैट्स कमिंग अप वेरी सून एंड इट्स कॉल्ड दो अजनबी. उसमें आर्या बब्बर हैं मैं हूँ देयर इज अ न्यू गर्ल सो इट विल बी गुड फन टू सी. आई जस्ट वॉन्ट से थैंक यू शुक्रिया. बहुत छोटी जर्नी थी कभी कभी इत्तेफाक से लेकिन आप सबने बहुत प्यार दिया. थैंक यू. वेल द सेम ये देखो ये सब मिस करूँगा मैं. यही चीज ऑफकोर्स तिरंगा इज इट मेक्स यू वेरी प्राउड दैट यू नो यू आर पार्ट ऑफ अ कंट्री विच इज वेयर कल्चर इज सो इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक मैं भी ज़रूर अपने घर पे तिरंगा फहराऊंगा. बट जो भी फहरा रहे हैं उसकी गाइडलाइंस हैं कुछ वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि उसका अपमान नहीं होना चाहिए इन द स्पिरिट. सो प्लीज़ डू दैट. थैंक यू.